कोई भी कहानी रचते वक्त सबसे अहम होता है उसके किरदार रचना। सुनने से थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए एक परफेक्ट चीज बनाई है, देखना कितना मजा आने वाला है। मिलिए कैरेक्टर जनरेटर से, मतलब वो चीज जो नए नए किरदार बनाती हो। देखिए यहां पर मेरे पास है चार किरदार, एक बच्चा, एक भालू, एक सुपर हीरो और एक मॉन्स्टर। अब मैं आपको कमाल की चीज दिखाता हूं, देखिए इसका सर बदलते हैं और अब बच्चे के पास है दो गोल गोल कान और एक पिंक नाक। चलिए अब इसके कपड़े बदल कर देखते हैं और देखिए अब ये बन गया है सुपर हीरो। क्या बात है, किरदार जनरेटर की मदद से आप हर किरदार को जैसा आप चाहें बना सकते हैं और एक नई कहानी भी बना सकते हैं। जैसे कि ये है एक भालू सुपर हीरो की कहानी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक इस तरह का डाइस जैसा डब्बा जिसके 6 बराबर साइड्स हों। और अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक डब्बा लीजिए और रूलर की मदद से एक साइड पर दो क्रॉस लाइन बनाइए, देखिए कुछ ऐसे। फिर पेंसिल की मदद से बीच में एक होल कीजिए। अब दूसरी तरफ भी हम वही करेंगे, मतलब दो क्रॉस लाइन बनाकर बीच में एक होल। बाकी के डब्बों पर भी ऐसा ही कीजिए, लेकिन उनकी सिर्फ एक तरफ। इसके बाद तीनों डब्बों को एक लाइन में रखिए जिससे सभी होल एक लाइन में दिखें। अब रूलर की मदद से दो निशान बनाइए, एक यहां और दूसरा वहां। अब ऐसा ही हम दूसरे डब्बों में भी करेंगे। अब डब्बे को उल्टा कीजिए और सभी साइड्स पर ऐसे निशान बनाइए। बाद में हम जब ड्राइंग करेंगे तो ये गाइडलाइंस का काम करेंगी। ये हुई ना बात। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि आप अच्छे से लाइंस को मार्क करें, और यह भी बहुत जरूरी है कि ऊपर और नीचे के डब्बे के ऊपर और नीचे होल ना करें। सबसे मुश्किल काम तो हो गया दोस्तों, अब चलिए अपने किरदार बनाते हैं। सबसे ऊपर के डब्बे में हम एक बच्चे का चेहरा बनाएंगे। जैसा आपके मन में आए वैसा चेहरा बनाइए। मैंने बनाई है इसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक बड़ी सी मुस्कान। ये ध्यान दीजिए कि गर्दन उस लाइन से मैच करे जो हमने पहले बनाई थी। बहुत खूब, याद है जो हमने निशान बनाए थे वो अभी गाइडलाइंस का काम कर रहे हैं। बीच के डब्बे में हम बनाएंगे इसका शरीर, बाहें और हाथ। नीचे के हिस्से में हम बनाएंगे पैर और जूते। आपको हर तरफ एक किरदार बनाना होगा। जरा देखिए यहां मेरे पास एक मॉन्स्टर और यहां पर एक सुपर हीरो, इधर है क्यूट सा भालू और इसे देखिए एक छोटा सा बच्चा। आप बस ये सोचिए आप एक आर्टिस्ट हैं और आप जैसा चाहें वैसा किरदार बना सकते हैं। बस आपको इसके जोड़ ध्यान में रखने होंगे ताकि बाद में ड्रॉइंग्स के कॉम्बिनेशन से आप कैरेक्टर्स को बना सकें। चलिए अब वक्त है थोड़ा कलरिंग करने का। डब्बे के साइड पर और ड्रॉइंग के ऊपर और नीचे काला रंग दीजिए, इससे जब आपका फिगर बनेगा तो साफ नजर आएगा। अब एक रंग चुनिए और बैकग्राउंड को पेंट कीजिए, इससे जब आप किरदार जोड़ेंगे तो वो इस कलर से एक साथ जुड़े हुए लगेंगे। क्या बात है, चलिए अब कैरेक्टर्स पर पेंट किया जाए। इसके कर्ली बालों को मैं पीला रंग दूंगा और हाँ चेहरे को रंगना ना भूलिएगा। कपड़ों पर भी कलरिंग कीजिए, मैं इसके कोट को ब्लू कलर दूंगा। मैंने आंखों के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया है, पर आप अपना मनपसंद रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इन लाइंस के लिए आपको पतले ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे डिटेलिंग अच्छी होती है। पेंट सूखने के बाद मार्कर से अपने ड्राइंग के आउटलाइन को हाईलाइट कीजिए, इससे ड्राइंग और भी निखर कर आएगी। बस एक आखिरी स्टेप और उसके बाद हम नए नए किरदार बनाना शुरू कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। डब्बों को एक साथ रखने के लिए लकड़ी की एक ऐसी डंडी का इस्तेमाल करें। इसे उस बॉक्स के होल में डालिए जिसमें हमने सर बनाया है, देखिए कुछ ऐसे। फिर इसे बीच के डब्बे के दोनों छेदों से निकालिए। और आखिर में तीसरे डब्बे से, वाह इसे कुछ ऐसा दिखना चाहिए।
इस सुपर हीरो को विलेन ने अपने जादुई शक्तियों से मॉन्स्टर बना दिया है जिसकी सिर्फ एक ही आंख है। देखिए मेरे पास ऐसे कुछ और आइडियाज भी हैं। जरा इस नीले डॉगी को देखिए और यहां पर है कुछ अलग सी गाय, एक बंदर जिसका है बहुत बढ़िया सा मुंह और एक अगली हरा कीड़ा। अब मैं इसके सर को ऐसे घुमाता हूं और इसकी पूंछ को इस तरह, और देखिए मेरे पास आ गए हैं कुछ नए तरह के जानवर। देख रहे हैं ना अमेजिंग ट्रिक। अब ये एक और आइडिया भी देखिए, चलिए मेरे साथ। मैंने यहां पर अलग अलग किरदार बनाए हैं, है ना ये कमाल। मैंने जबरदस्त जानवर और अपनी इमेजिनेशन की खोड़ी दौड़ाकर बनाया है किरदार जनरेटर। यहां हर डिब्बा अलग है, ये है ना थोड़ा क्रेजी काम लेकिन बहुत मजेदार भी। जितने सारे आइडियाज उतने सारे किरदार। चलिए दोस्तों अब है आपकी बारी पुराने डिब्बों से किरदार जनरेटर बनाने की और अपनी नई नई कहानियां बनाने की।